जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय है वो है वास्तु दोष से संबंधित। हमारा जो निवास स्थान है, मकान, दुकान, इनका जो मुख्य द्वार है, मेन गेट जो है, वो काफ़ी भूमिका रखता है हमारे जीवन में, उस घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के जीवन में। चार दिशाएं हैं, चार ही कोण हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। कोण हैं ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। हर राशि की अपनी दिशा है, हर ग्रह की अपनी दिशा है, अपना कोण है, हर ग्रह के अपने अपने तत्व हैं, इनसे मिलकर बनी हुई सृष्टि है। तो मनुष्य अपने आवास के लिए घर मकान बनाता है, रोजगार व्यापार के लिए फैक्ट्री है, कंपनी है, दुकान है आदि खोलता है। यदि सही है तो तरक्की दिन रात, दिन दोगुनी रात चौगुनी होती है। यदि सही नहीं रहा तो काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो जो बात करेंगे आज की वो है साउथ फेसिंग आपका हाउस है, वेस्ट फेसिंग हाउस है, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। खास तौर पर सौम्य ग्रहों के जो लग्न हैं, जो शनि और राहु से शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बृहस्पति और बुध भी आप लगा लीजिए, तो इनसे संबंधित जो दिशाएं हैं उनसे जस्ट ऑपोजिट चलते हैं शनि राहु। कलयुग में इनकी प्रधानता ज्यादा है बाकी ग्रहों की बजाय। यदि आपका मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, कन्या राशि, मिथुन लग्न है, मिथुन राशि, धनु लग्न है, धनु राशि, मीन राशि, मीन लग्न, तो कुल मिला के जो भी हैं शनि राहु से अगर शत्रुत्व व्यवहार रखते हैं, तो उनको यदि साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग मकान बनाते हैं या दुकान खोलते हैं, तो इस फेस में क्या दिक्कत आती है। एक तो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है, पितृदोष मतलब कि कोई 30-40 साल पहले भी यदि कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे आग जलाकर हो, चाहे करंट से हो, किसी भी तरीके की आकस्मिक बीमारी, तो वो भी पितृदोष में शुरू हो जाएगा। पश्चिम मुखी मकान है, दक्षिण मुखी मकान है, पिता का जो जीवन के समय वर्चस्व था, यश था, वो काफी अच्छा था, व्यापार काफी अच्छा चलता था, दुकान अच्छी चलती थी, हर चीज की मतलब सब कुछ था। लेकिन जैसे ही बेटे का नंबर आया कमाने का, करने का, और व्यापार ठप हो गया, दुकान ठप हो गई, कोई साधन नहीं कमाने का, चलो कमा भी रहे हैं लेकिन पैसे रुक नहीं रहे, ये पश्चिम फेस जो है, पश्चिम मुखी जो मकान है उसमें अधिकतर ऐसा होता है, दक्षिण मुखी मकान है उसमें भी अधिकतर ऐसा होता है, कर्जे की स्थिति बनी रहती है। पति पत्नी में भी
तकरार अनबन चलती रहती है। पति की लाइफ में या पत्नी की लाइफ में कोई दूसरा आ जाता है, क्यों? क्योंकि पश्चिम और दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा जहां शनि से संबंधित है, दक्षिण दिशा जहां मंगल से संबंधित है। क्यों? तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, सप्तमेश होते हैं काल पुरुष की कुंडली से अगर देखा जाए तो, और काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी होकर अष्टमेश होते हैं। मकर राशि के लिए भी दक्षिणमुखी मकान दुकान व्यापार के लिए फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज अगर खोल लिए तो भी इतना सही नहीं रहती, क्योंकि ये शनि की साधारण राशि होती है मकर राशि। और समस्याएं जो आती हैं, बीमारी पर खर्च, अधिकतर स्त्री जाति पीड़ित या चिंतित ही देखी जाती है। अगर आपके पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी मकान हैं या व्यापार आप करते हैं, मान लीजिए सिंह लग्न आपका है, कर्क लग्न आपका है, शनि की महादशा में, राहु की महादशा में आपने यदि मकान बना लिया और वो भी वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग, तो आप काफ़ी समस्याओं से घिर जाएंगे। हो सकता हो आपकी संतान ही आपकी दुश्मन बन जाए, कहाँ ना माने बिगड़ जाए, नशे की लत में पड़ सकते हैं। मतलब उन्नति की बजाय अवनति शुरू हो जाएगी यदि शनि और राहु आपके लग्न के आपकी राशि के शत्रु हैं तो। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा मकान अगर यदि आप बना रहे। दक्षिणमुखी उनके लिए क्या परिस्थितियां रही होगी, जो हमारे बाप दादा हैं उनके टाइम में अच्छा चलता होगा तो उनको वो सूट करती होगी। तुला राशि के लिए अच्छा है, मिथुन राशि के लिए भी साउथ फेसिंग और थोड़ा बहुत मान लीजिए वेस्ट फेसिंग भी चल सकता है, क्योंकि राहु की उच्च राशि है मिथुन, तो इनके लिए चल सकता है। राहु के लिए आप बात करें मिथुन तुला और कुंभ, इनके लिए दक्षिण फेसिंग साउथ फेसिंग जो है वो चल सकता है, अच्छा कर सकते हैं, बाकी के लिए नहीं है, तकलीफें आएंगी ही आएंगी, खास तौर पर चंद्रमा और सूर्य से संबंधित। राहु और शनि बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, आपके अंदर टैलेंट होते हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और खास तौर पर द्वादशेश की दशा आ जाए, सप्तमेश की दशा आ जाए तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसा किया और आपके गुरु और चंद्रमा सूर्य पीड़ित हो गए। बड़े कर्ज से या लोन से आपने मकान बनाया पर सुख आपको मिला नहीं। एक्सीडेंट भी देखा गया है, यदि इनसे संबंधित इन फेसिंग से संबंधित आपके मकान हैं, लड़ाई झगड़े भी खूब होते हैं ऐसे परिवारों में, क्रोधी स्वभाव के लोग मिलते हैं, भाई भाइयों के अंदर जमीन के ऊपर भी विवाद हो जाता है यदि पश्चिम मुखी मकान है तो। दक्षिण मुखी मकान है तो चोरी आदि का डर, ठगी आदि का डर होता है, ऐसे घर के ऊपर रिश्तेदार ही तांत्रिक क्रिया में संलग्न हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं इन फेसिंग मकान में होती है। तो यदि आप भी मकान बना रहे हैं या कोई भी आपसे संबंधित कोई है जानकार, यदि वो मकान बना रहा है तो उसको समझाएं, सलाह दें, आगे उसकी मर्जी है। फिर वास्तु दोष के अंदर और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे सीढ़ियों के नीचे लेटरिन बाथरूम का होना, घर के आसपास गंदी नाली का निकलना, सफाई नहीं रहना,
जहाँ मान लो आपका घर है और वहाँ लेटरिन बाथरूम गलत दिशा में है और उसके बाहर की तरफ कहीं मंदिर है, तो भी वो वास्तु दोष उत्पन्न कर देगा। घर का जो बड़ा होता है, मान लो पिता ने आपकी शादी कर दी, तो पिता फ्री हो जाता है पितृदोष से, उससे ज़्यादा कष्ट उसका बेटा पाता है संघर्ष करके, तो सावधान रहें। यदि आप उपाय चाहते हैं इन चीज़ों का, तो मेरे फ़ोन नंबर हैं, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। 90 57 23 45 62, इन पर आप फ़ोन कर कर पूछ सकते हैं। तो मकान बनाने से पहले कंसल्ट जरूर कीजिएगा। जन्म पत्रिका में देखिएगा आपका लग्न कौन सा है, कौन सी दिशा आपके लिए सूट करेगी, किस ग्रह की दशा और अंतर दशा चली हुई है, किस प्रकार की मैत्री है, ये जरूर मिलान करवाइएगा। क्योंकि घर बनने के बाद 30 40 साल तक फिर आप घर नहीं बदल सकते हैं, नहीं उसमें कुछ करवा सकते हैं, फिर ये समस्याएं बड़े रूप ग्रहण कर लेगी। ऐसी जो फेसिंग है उनमें अधिकतर जो गौ माता है वो भी पीड़ित होती है, रखेंगे तो हो सकता है किसी कारणवश मर जाएगी, या आप विचार करेंगे लेकिन ला नहीं पाएंगे, पूजा पाठ तक रुक जाती है, पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। इस दिशा में ये फायदा है कि सरकारी नौकरी से लोग जुड़े रहेंगे, अर्थात ऐसी फेसिंग में बाप दादा हो, चाचा ताऊ हो, उनमें से कोई ना कोई सरकारी नौकरी में मिलेगा, यानी सरकार की तरफ से धन लाभ मिलेगा, भले ही वो वार्ड पंच भी हो सकता है, सरपंच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दिशाएं सरकार की तरफ से धन लाभ जरूर करा देती हैं। एक्सीडेंट का भी खतरा दे देती हैं, तो सावधान रहें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई विषय वस्तु के साथ, नए गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री